ध्रुवमपाये अपादानम्। ध्रुवमपाये अपादानम्। ध्रुवमपाये अपादानम्। ध्रुवमपाये अपादानम्। ध्रुवमपाये सप्तमी के एक वचन, अपादानम प्रथमा का एक वचन। 657 पृष्ठ में पहला लाइन मूल में अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादानम स्यात्। अपाय करते विश्लेष अलग होना, उसके उस क्रिया की सिद्धि में जो ध्रुव है माना अवधिभूत है उस कारक को अपादान संज्ञा होता है। अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपादाने सप्तमी एक वचन, पंचमी प्रथमा के एक वचन, स्पष्ट है। दृष्टांत देते इसलिए ग्रामाद आयाति, ग्राम से आ रहा है, ग्राम यहाँ अवधि हो गया आपका या देवदत्त जो भी आ रहा है वहाँ से, देवदत्त ग्रामाद आगति, देवदत्त और ग्राम के जो पहले संयोग था उस संयोग का विश्लेष हो गया, अतः विश्लेष अवधि कौन है, गाँव है, इसलिए गाँव में पंचमी हो गया। धाओ तो अश्वात पतति, दौड़ता हुआ घोड़े से वो गिर गया, या धावता और अश्व दोनों से पंचमी हो गया। कारकं किम, वृक्षस्य पर्णम पतति, वृक्ष का पत्ता गिर रहा है, यह कारक कहा कि वृक्ष क्या है, यह कारक नहीं संबंध है, संबंधी अच्छा अकारक होने नाते उसको अपादान संज्ञा होकर पंचमी नहीं हुआ। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम। इन तीन अर्थ वाले धातुओं के योग में भी क्या होगा, कहते पंचमी होगा। पापात जुगुप्सते, पापात जुगुप्सते, और पापात विरमति विराम के लिए, धर्मात् प्रमाद्यति, धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म के विषय में प्रमाद करता है। जुगुप्सा निंदा, विराम ने रुकना, प्रवृत्ति से निवृत्ति होना विपरीत, प्रमाद मैंने सावधान न रहना, देखिए टीका देखना। अतः पंचमी विभक्ति ही ध्रुवम अपाय, अपाय पदम व्याचष्ट सम अपाय पद की व्याख्या करें, अपाय विश्लेष इति वियोग इत्यर्थ, कहने बदला वियोग और सरल कर दिया। ध्रुव पदम व्याचष्ट, ध्रुव पद का स्वयं व्याख्या करता अवधि भूतम, द्वयो संयुक्त और अन्य तरह से चलनाद विश्लेषित स्थिति, दो संयुक्त वस्तुओं में से दो में से एक भी यदि अलग हो जाता है तो विश्लेष कहा जाएगा, और दोनों ही अलग भी हो सकते हैं, जैसे मेष में एक दूसरे एकदम अलग होते हैं, दोनों में क्रिया है, दोनों चलन है और दोनों में क्रिया अलग। अरे देवदत्त में ग्राम बैठा है वहाँ देवदत्त मात्र में क्रिया होती है, ग्राम तो वैसे का वैसे रहेगा, इसे एक में हो या दोनों में हो, जहाँ दोनों में होगा वह क्योंकि दोनों अपादान पंचमी हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा, परस्पर हो जाएगी वह। तत्र तादृश चलनाश्रय भूतम ध्रुवम, से चार चलन के आश्रय भूत वस्तु को हम ध्रुव कहते हैं। तच्च अर्थात अवधिभूतम विवक्षम, वह भी अर्थात जो है जो अवधिभूत जिससे अलग हो रहे हम उसमें ही विवक्षित करना है। अपादाने पंचमी स्पष्टत्वात् न व्याख्यात ग्रामादायती आगच्छति इत्यर्थ, कस्माद् इत्याकांक्षा विषयत्वात्, पृथक कहाँ से आया कस्मात्, ऐसे आकांक्षा के जवाब में आप कहेंगे ग्रामात्, ग्राम ही यहाँ पर अवधि निश्चय होता है, ग्रामो अवधि रीति अपादानत्वात् पंचमी, ग्राम ही अवधि होगा इसलिए उसमें अपादान संज्ञा होकर के पंचमी भक्ति हो गई। मातुराहा पाटलिपुत्र के भ्य आढ़तरा, मथुरा वाले लोग पाटलिपुत्र के लोगों की अपेक्षा से ज़्यादा जो है अमीर है। इत्यादि बुद्धि कल्पित विशेष अवधित्व आदाय, यहाँ पर ना संयोग वियोग तो है नहीं, एक से दूसरे को धनी बोल रहे हैं आप, यहाँ पास कोई संबंध नहीं है, तो बुद्धिकृत समझना। तो कहते कल्पित विशेष अवधित्व आदाय अपादान कर लिया गया है पाटलिपुत्र के भ्य करके।
ఇది భాష స్పష్టం. నేను విశ్లేషానుకూల చలన అనాశ్రయభూతం యత్ తదేవ ధ్రువం ఇది వ్యాఖ్యాతం ఐస కర్తం. విశ్లేషి అనుకూలో ఆర్ క్రియాక ఆశ్రయం నా హో ఉస్కో ఏం ధ్రువ సంజ్ఞ కరే గావ్ కి విశ్లేషక అవధి ఇసలే కదా క్రియా కాం హుయి దేవదత్త మే దేవదత్త కా అపదాన సంజ్ఞ నహీ హువా గావ్ కా హోతా హై ఇసలియే హమ్ యే కహెంగే విశ్లేష కి అనుకూల జిస్మే క్రియా నహీ హై ఉస్కో హమ్ ధ్రువ మాన కే అపదాన సంజ్ఞ కరే తబ్ సమస్యగే ధావత మే నహీ బన్ పాయేగా ఫిర్ పంచమీ ధావత మే నహీ బనేగా అశ్వమే తో బన్ జాయేగా క్రియా తో అశ్వమే హై ఉస్కా జో విశేషణ హై వహాన్ కైసే ఘటాయేంగే ఆప్ ఇసలే ఉన్న జానకర్ వ్యాఖ్యాక్య తస్మిన్ సాధ్య ఇత్యాది కిమ్ అవధిత్వక్షయ అవధి అది కే అవధిత్వ కథన ఆవశ్యకత హై ఇత్యాహ ధావతో అశ్వాత్ పతతి అశ్వస్ చలనాశ్రయత్వ పతనక్రియాం ప్రతి కస్మాయితి ఆకాంక్ష విషయత్వ లక్షణం అవధిత్వం న విరుద్ధమితి భావ కి అశ్వ చలన కాశ్రయ తో ఇలా అశ్వమే తో పంచమే ఠీక్ థా లేన్ ధావతా మే పంచమి క్యూ కియా వాయు పదం క్రియాకి ప్రతి కస్మాత్ కి ఆకాంక్ష కా విషయ ఉసే బనారేగా కిస్ ప్రకార కా ఘోడా తా జో జిస్సే గిరా గయా దౌడతే హువే ఘోడే సే కి ఖడే హువే ఘోడే సే కిస్ ఘోడే సే గిరా ఇసే ఆకాంక్ష కా విషయ భీ బనా రహా తే ఇసే వహాన్ పర్ భీ హమ్ అపదాన సంజ్ఞ పంచమి కర్ దేంగే ఇస్ లాభ్ కే లియే హీ అవధి కర్కే ప్రయోగ్ కియా గయా జుగుప్సేతి జుగుప్సాద్యర్థక ధాతువరి యోగే జుగుప్సాది విషయస్ అపాదార్థమిత్యర్థం పాపా జుగుప్సతే పాప విషయ కుత్సితత్వ బుద్ధ్యా నరమతి పాపకి విషయమే కుత్సితత్వ బుద్ధి కే కారణ సే రమణ నీ కర్తా హై ఉసో కర్నే మే లగ్తా నీ అథవా పాపాద్ విరమతి పాపా ఇతి అనుషేధ దృష్టాంత హో పాప విషయ న ప్రవర్తయతి ఇత్యర్థః పాప విషయ ప్రవర్త నీ హోతా ఇస్కా అర్థ ధర్మాత్ ప్రమాద్యతి ఇతి ధర్మ విషయ ముహ్యతి ధర్మ విషయ మోహ హో గయా క్యా సే క్యా గలత్ నిర్ణయ లే గలత్ మే చలా గయా వాస్తవ సంయోగ విశ్లేషి ఓర్ అభావ నా యా సంయోగ హై నా వాస్తవ కోయి విశ్లేష దిఖతా హై యే సబ్ బుద్ధి కా ఖేల్ హై తో భీ హమే యా అపాదాన సంజ్ఞ కర్కే పంచమి కర్నా ఇష్ట థా అతేవ అలగ్ సే వార్తిక్ బనాయా గయా ఇసలియే వచనం ఇదం యదా తు జుగుప్సత ఇత్యాది జుగుప్సాదిభిర్ నివర్తతే ఐసా అర్థ కర్లే ఇది అర్థ ఆశ్రయతే తదా బుద్ధికృత విశ్లేష అవధిత్వం ఆదాయ అపాదనత్వాదేవ సిద్ధం ఇది పూర్వసూత్ర శేషితో జాయగా వార్తికం ఇదం భాష్యే ప్రత్యాఖ్యాతం ఇస భాషకారణే ఇస వార్తిక ఖండని కర్ది ఈ బుద్ధికృత అవధి కో లేకర్కే భీ హమే సంజ్ఞా కర్నా హీ హై అన్యత్రం కరి రే జస మత మాతురా పాటలిపుత్రకే భ్య బుద్ధికృత అవధి కో లేకర్ కియా గయా ఉసీ సే యహాన్ భీ హో జాయేగా తో వార్తిక కర్నే క్యా జరూరత్ తత్వోధని ధ్రువమపాయే ధ్రువ గతిస్థైర్యయో ధాతువ ఇత్యస్మాత్ పచాద్యచి కుటాయిత్వాత్ గిత్వే వంగోకరుబన ధ్రువం ధ్రువస్థైర్య ఇది కేచిత్ పఠంతి ఐసే భీ పాఠ ధాతు పాఠం ధ్రువస్థైర్య తదర్ ఈగుపదే ఇది కా ప్రతికరణ పడేగా తగిల ఉపదగుండా హో ధ్రువం స్థిరం ఇత్యర్థ అపాయ శబ్దేన వివక్షితం వా విశ్లేషయతి ఏవంచ ప్రకృతి దాత్వర్తనాశ్రయత్వ సతి తజ్జన్య విభాగాశ్రయో ధ్రువమితి ఫలితం ప్రకృతి జో దాత్వర్త క్రియా హై ఉస్కా ఆశ్రయ నా హో కింతు తజ్జన్య విభాగ కా ఆశ్రయ హో ఉస్కా నా ధ్రువ హోతా హై తచ్చ అర్థాత్ అవధిరేవ వో ఉస్కా మతలబ్ అవధి హోతా హై అవధిభూతం ఇది యా ధావన క్రియా విశిష్టస్యాపి అశ్వస్య ధావన క్రియాసే విశిష్టే ఘోడా ప్రకృత ధాతు పాత్రక్రియాం ప్రతి అవధిత్వం న వివక్తి విరుద్ధ్యతే ఇసలే ప్రకృత ధాతుపద క్రియాకే ప్రతి ధావన్ మే భీ అపదాన సంజ్ఞమనే అవధిత్వ విరుద్ధని హోతా యా భీ దగ్గర దోనమే అవధిత్వం అనలే పరస్పరస్మాత్ మేషౌ అపసరత దోనో మేష్ ఏక్ దూసరే కో టకరాతే హువే ఇధర్ ఉధర్ ఘూమ్ రే దోనమే అవధిత్వ ఏక్ దూసరే ప్రతి ఇతరతో శ్రీ ధాతున గతిద్వయస్యాపి ఉపాదానాద్ గతిద్వయ దోనమే విద్యమాన్ గతి కో ఆధార్ బనా కర్కే హమ్ ఉపాదాన సంజ్ఞ కర్ దేంగే
ಏಕನಿಷ್ಠಾಂ ಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ಇತರಸ್ಯಾಪಿ ಅಪಾದನತ್ವಂ ನ ವಿರ್ಧ್ಯತೆ. ಏಕನಿಷ್ಠ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದೂಸರ ಅಪಾದನ ಹೋಗ್ಯ, ದೂಸರ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಲೆ ವಾಲ ಭೀ ಅಪಾದಾನ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ, ತೋ ದೋನೋ ಹೀ ಅಪಾದಾನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾಲೆ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ವಾಕ್ಯ ಪರಿಕಾರ ನೇ ಕಹಾ ಹೈ, ಉಕ್ತಂಚ ಹರಿಣಾ ಅಪಾಯೇ ಯದ್ದುದಾಸೀನಂ ಚಲಂ ವಾ ಯದಿ ವಾ ಅಚಲಂ ಧ್ರುವಂ ಏವ ಅತದ್ದಾವೇಶಾತ್ ತದ್ ಅಪಾದಾನ ಮುಚ್ಯತೆ ಪತತೋ ಧ್ರುವ ಏವಾಶ್ವ ಯಸ್ಮಾದ್ ಅಶ್ವಾತ್ ಪತತ್ಯಸೌ ತಸ್ಯಾಪ್ಯಶ್ವಸ್ಯ ಪತನೆ ಕುಡ್ಯಾದಿ ಧ್ರುವ ಮಿಷ್ಯತೆ. ಮೇಷಾಂತರ್ಕ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷಂ ಅವಧಿತ್ವಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಮೇಷೋ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂಚ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಇತಿ. ಅಪಾಯ ಯದು ಉದಾಸೀನಂ ಚಲಂ ವಾ, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಚ ಉದಾಸೀನೋ ಚ ಚಲೋ ಚ ಅಚಲೋ. ಅಪಾಯ ಮನೆ ವಿಶ್ಲೇಷ ರೂಪಿ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಜೊ ಉದಾಸೀನ ಹೈ ಚಾಹೆ ಚಲ ಹೈ ಚ ಅಚಲ ಹೈ ಉನ್ ಸಬ್ಕ ಧ್ರುವ ಸಂಗಿ ಧ್ರುವಂ ಏವ ಅತದ್ದಾವೇಶಾತ್ ತದ ಅಪಾದನ ಉಚ್ಚತೆ. ಧ್ರುವ ಹೋನೆಗೆ ನಾತೆ ಉನ್ಮೇ ತಾರ್ಶ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾವೇಶ ನ ಹೋನೆ ಪರ್ಬಿ ಉಸ್ಕ ಅಪಾದನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋ ಜಾಗ. ಪತತೋ ಧ್ರುವ ಏವ ಅಶ್ವ, ಜಿಸ್ಸೆ ಗಿರ್ ರಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವದತ್ತ ವು ಘೋಡೆ ಸೆ ಗಿರ್ರಾ ಹೈ, ಭಲೆ ಘೋಡಾ ಮೇ ಭೀ ಕ್ರಿಯಾ ಹೈ ವೋ ಚಲ ಹೈ ಫಿರ್ ಭೀ ವೋ ಅವಧಿ ಮಾನಾ ಜಾಯೇಗಾ ಗಿರ್ತಾ ಹುವಾ ದೇವದತ್ತ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ. ಪತತೋ ಧ್ರುವ ಏವ ಅಶ್ವ ಯಸ್ಮಾದ್ ಅಶ್ವಾತ್ ಪತತ್ಯಸೌ, ಜಿಸ್ಲೇ ಕಿ ವೋ ಘೋಡೆ ಸೆ ಗಿರ್ ರಾ ಹೈ ತಸ್ಯಾಪಿ ಅಶ್ವಸ್ಯ ಪತನೇ, ಅವರ ಘೋಡಾ ಭೀ ಗಿರ್ ರಾ ತಾ ಇಸ್ಲೇ ವೋ ಉಸ್ ದೇವದತ್ತ ಭೀ ಗಿರ್ ಗ್ಯಾ, ಕ್ಯೂ ಘೋಡೆನ ಜೊ ಹೈ ಘೋ ದೀವಾರ ಸೆ ಟಕರಾ ಗ್ಯಾ ತಾ. ಓ ದೀವಾರ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗ್ಯಾ, ಘೋಡೆಗೆ ಗಿರಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಧ್ರುವ ಹೋ ಗ್ಯಾ. ತಸ್ಯಾಪ್ಯಶ್ವಸ್ಯ ಪತನೇ ಕುಡ್ಯಾದಿ ಧ್ರುವ ಮಿಷ್ಯತೆ. ಇವ ಮೇಷಾಂತರ ಕ್ರಿಯಾ ಅಪೇಕ್ಷಂ ಅವಧಿತ್ವಂ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್, ದೋನೋ ಮೇಷಮೇ ಅವಧಿತ್ವ ಆಗ್ಯಾ, ಮೇಷೋ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂಚ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್. ಅವ್ರ ಅಪ್ರಿಯ ಅಪ್ನಿ ಮೇ ಹೋತೆ ಇವ ಕ್ರಿಯಾಂಕೋ ಲೇಖರ್ಗೆ ದೋನೋ ಮೇಷೋ ಮೇ ಕರ್ತೃತ್ವಿರೇಗ, ಅವರೇಕೆ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ದೂಸರೆ ಮೇ ಅವಧಿತ್ವ ಯೋಗ, ಅದು ದೋನೋ ಮೇ ಅವಧಿತ್ವ ಅವ್ರ ದೋನೋ ಮೇ ಕರ್ತೃತ್ವಿರೇಗ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಣ್ಣ ಬತ್ತ ಇತಿ ಪರ್ವತಾತ್ ಪತತೋ ಅಶ್ವಾತ್ ಪತತಿ ಇತ್ಯತ್ರತು ಪರ್ವತಾವಧಿಕ ಪತನ ಆಶ್ರಯೋ ಯೋ ಅಶ್ವ ತದವಧಿಕ ದೇವದತ್ತಾದಿನಿಷ್ಠಂ ಪತನ ಅರ್ಥ. ಪಹಾಡ್ ಸೆ ಘೋಡಾ ಗಿರ್ ರಾ ಹೈ, ಅವು ಘೋಡೆ ಹೆಸೆ ಇಸಲೇ ಅದೇ ಬೇ ಗಿರ್ ಗ್ಯಾ, ಸೆ ದೋನೋ ಅವಧಿ ಹೋ ಗ್ಯಾ, ಪಹಾಡ್ ಅವಧಿ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಘೋಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ, ಅವು ಘೋಡಾ ಅವಧಿ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಆದ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ. ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥೆ ಅವಧೌ ಅಭೇದೇನ ಸಂಸರ್ಗಣ ಪ್ರಕೃತ್ಯರ್ಥ ಪರ್ವತಾದಿರ್ ವಿಶೇಷಣ. ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥ ಮೇ ಜೋ ಆಯಾ ಹುವಾ ಹೇ ಅವಧಿ ವಾ ಪರ್ವತ್ ಔರ್ ಘೋಡಾ ದೋನೋ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋಗ ಪರಸ್ಪರ ಮೇ ಅಭೇದ ಸಂಸರ್ ಸೆ ಸಂಬಂಧ ಕರುಂಗಾ, ಇಸೆ ಪರ್ವತಾದ ಅಶ್ವಾತ್ ಪಂಚಮಿ ದೋನೋ ಮೇ ಹೋಕರ್ ಸಂಬಂಧ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ಪರ್ವತಾದಿರ್ ವಿಶೇಷಣ ಪ್ರತ್ಯರ್ಧಸ್ತು ಪತನ ಕ್ರಿಯಾಯಾಮ್ ಪ್ರತ್ಯರ್ಧ ಪ್ರತಿ ಕ್ರಿಯಾಮ್ ಅನ್ವಯೋಗ ಸಾ ಚ ಅವಧಿ ರೂಪೋ ಧರ್ಮಿ ನತು ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅರ್ವೋ ಹೈ ಧರ್ಮಿ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೂಕ್ತ. ಇಸ್ಲೇ ದೇಖೋ ಐಸೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೋ ಜಾತೆ ಉದ್ಧೃತ ಓದನಾ ಸ್ಥಾಳಿ ಇತ್ಯಾದೋ ಓದನ ಕರ್ಮಕ ಉದ್ಧರಣ ಅವಧಿಭೂತ ಸ್ಥಾಳಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ದರ್ಶನಾತ್. ಯಾಪರ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಮೀಸಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಥಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ತೀವಿ ಉದ್ಧೃತ ಓದನ ಸ್ಥಾಳಿ ಹೆಂಗ್ಯ ಭಲೆ ಅಂತರ್ಮೆ ಅವಧಿ ಚಿಪ್ಪಾಪಡ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಓದನ ಕರ್ಮಕ ಉದ್ಧರಣಗ ಅವಧಿಭೂತ ಹೈ ಸ್ಥಾಳಿ ಇರ್ವಿ ದೋನೇ ಪ್ರಥಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯಧಿಕರಣ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾತಾ ಹೈ ಪಂಚಮಿನಿ ಹೋಗಿ. ಏತಚ್ಚ ಮನೋರಮಯ ಸ್ಥಿತ ಎಸ್ಸಾರಿ ಬಾತ್ ಪ್ರೌಢ ಮನೋರಮಯ ವಿಸ್ತಾರೋಪಣ ಸಂಜಾವ ಹೈ ನನ್ವಿ ಧ್ರುವಗ್ರಹಣ ಕಿಮರ್ಥಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧ್ರುವ ಕನಕ್ಕೆ ಅದ್ಯುತಿ ಸೂತ್ರ ಧ್ರುವಂ ಅಪಾಯೇ ಇದೇ ಅಪಾಯ ಅಪಾದಾನಂ ಕಾದು ಅಪಾಯಮೇ ಅಪಾದಾನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಗ ಧ್ರುವಂ ಕನಕ್ಕೆ ಅದ್ಯುತಿ ತಗದೆ ಸುನೋ ನಚ ಗ್ರಾಮಾದ ಆಗಚ್ಚತಿ ಶಕಟೇನ ಇತ್ಯತ್ರ ಶಕಟೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಾರಣ ಎತ್ತತ್ ಗ್ರಾಮಾದ ಆಗಚ್ಚತಿ ಶಕಟೇನ ಶಕಟೇನ ಪಂಚಮಿ ನಾ ಹೋ ಜಾಯ್ ಇಸಲಿ ಧ್ರುವಂ ಕಾನ ಪಡೆಗಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಶಕಟ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಧ್ರುವ ನೀ ನಾ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೋ ಉಸು ಕ್ರಿಯಾ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ ವೋ ಧ್ರುವ ನೀ ಹೈ ಇಸಲೇ ಉಸು ಪಂಚಮಿ ನಾ ಹೋ ಅತೇವ ಧ್ರುವಂ ಕಾನ ಜರುರಿ ಹೈ ಯೇ ಕಿಸ್ನೇ ಕಹಾ ತೋ ಕದಿ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ ಪರತ್ವಾ ತತ್ರ ಕರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತೆ ಹೇ ಬಲ್ಕಿ ಪಂಚಮಿ ಗೊ ಬಾದ ಕೆ ಮಾತೋ ಅಪಾದಾನ ಸಂಖ್ಯಾ ಗೊ ಬಾದ ಕೆ ಕರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಹೋಗ ಕರ್ಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಅವನಿಸಿ ತೃತೀಯ ಆಯಿತು ನಚ ಸಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಾರ್ಥಂ
ध्रुव ग्रहण में संजी का निर्देश करने के लिए ध्रुव कहा दिया। कारकाधिकारात कारक में लभ्यते इति ध्रुव ग्रहणम चिंत्य प्रयोजनम इति चेत अत्र वदंती। क्या पता भी संजी की जरूरत नहीं, जो भी कारक का अधिकार है वो कारकम करके जुड़ेगा वो संजी हो जाएगा, तो संजी अधिकार से लाभ है। अच्छा ध्रम करना ग्रहण करना व्यर्थ है, कोई प्रयोजन ही नहीं, ऐसा कोई शंका कहता है इति चेत अत्र वदंती। कारकत्व रूप व्यापक धर्म मात्र वक्षायाम, कारकत्व रूप व्यापक धर्म मात्र विवक्षा करने पर साधकतमत्वेन विवक्षा अभाव दशा और साधकतमत्व विवक्षा न होने पर कर्ण संज्ञा प्रसंगेन शकटस्य अपादानत्व स्यात्। तब कर्ण संज्ञा की अप्रसंगेन कर्ण संज्ञा की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि हमने विवक्षा ही नहीं किया, तो अपादान संज्ञा हो जाता। तन्माभूत वह न होवे इत्येतदर्थम ध्रुव ग्रहणमिति, उसके लिए ध्रुव ग्रहण किया था। जुगुप्सेति जुगुप्सा मैंने निंदा, विरामो विरति प्रमादो अनवधानता, ये तदर्थकानाम धातूनाम कारकम अपादान संयम से अत्यर्थ संयोगपूर्वको विश्लेषो विभाग सचिय नास्त। संयोगपूर्व विश्लेषण विभाग है या अपाय है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ सब तो बुद्धिकृतस्तु गौणत्वात् और बुद्धिकृत है वो गौण होता है, अतः न यग्रियते इति सूत्रेण प्राप्त वार्तिक आरंभ, सूत्र से प्राप्त होने से इस वार्तिक को आरंभ किया। इन भाष्यकार के दृष्टिकोण से नहीं है कि भाष्यकार ने पहले कहा था साधकतमम ईप्सितमम, ऐसे तम प्रत्यय का प्रयोग करने से पाणिनि के द्वारा एक ज्ञापन है कि कारक प्रकरण में गौण मुख्य न्याय नहीं लगेगा। भाष्यकारस्तु कारक प्रकरणे गौण मुख्य न्याय नाश्रित इति तम ग्रहणेन ज्ञापितत्वात् जुगुप्सादीनां तत्पूर्वक निवृत्तिवाचित्वम आश्रित्य इदं वार्तिकं भीत्रार्थानाम इत्यादि सूत्राणि च प्रत्याचक्यौ। इन सब सूत्रों का भी खंडन कर दिया, कोई जरूरत नहीं कह दिया। बुद्धिकृत जो विश्लेषक को मानते हुए उन सब जगह अपादान संज्ञा और पंचमी अपने आप हो जाएगा, जरूरत नहीं इन सूत्रों की वार्तिक की। पूर्व में बुद्धिपायम संप्राप्य ततो दोष दर्शनात् निवर्तते इत्यस्य इति अस्ति एव अत्र बुद्धिकृतो अपाय। तो पहले बुद्धि में अपायम संप्राप्य बुद्धि को अवधि प्राप्त करके ही उसने क्या किया, दोष दर्शन हुआ तो उसे निवृत्त हो गया। इति अस्ति एव अत्र इसे बुद्धिकृत अपायत्व यह विद्यमान ही है। भीतरार्थानां भय हेतु हो, भीतरार्थानां भय हेतु हो, भीतरार्थानां भय हेतु हो, भीतरार्थानां षष्ठी बहुवचनम भय हेतु प्रथमा के एक वचन, भयार्थानां त्राणार्थानां च प्रयोगे भय हेतु हो अपादानम स्यात्। भय अर्थ वाले धातु और त्राण अर्थ वाले धातु के प्रयोग में भय का कारणीभूत जो वस्तु है उससे अपादान संज्ञा हो जाएगा। चोरात विभेति चोरात्रायते, भय हेतु किम अरण्य विभेति त्रायते वा, या नहीं हुआ कि भय का कारण यहाँ पर जो है अरण्य नहीं है, अरण्य में अकेलापन के कारण स्वयं डर रहा है, वहाँ कोई दूसरा नहीं है आपको डरने के लिए, दूसरे से मैं डर नहीं रहा खुद से डर रहा हूँ, घोर अंधकार है अकेले कैसे जाऊँ ये सोच के आदमी डरता है, अन्य से नहीं, इसलिए कोई अवधि वो दूसरा नहीं है जिसे वो डर रहा हो, इसलिए हाँ अरण्य है कोई अवधि नहीं था, अतएव अधिकरण सप्तमी हो गया पंचमी नहीं। पवित्र अर्थ आ रहा चोरा विभेति थी चोरेण हेतुरा इत्यर्थ, हेतु तृतीय प्राप्त हेतु सूत्र है उसे तृतीय व्यक्ति प्राप्त थी उसे बात करें अपादान संज्ञा होने से पंचमी हो जाएगी। चोरात्रायता इति चोरेण हेतुना आत्मानम तत्कृत वध बंधनादि निवृत्ते रक्षति इत्यर्थ। चोर हेतु अपने में संभावित जो वध है या बंधन आदि है उसे निवृत्त करने के लिए अपने आप की रक्षा करता है। यदा तो चोरात विभेति माने भीत्या निवर्तते ऐसा अर्थ हो, चोरात्रायते माने आत्मानम त्रातुम निवर्तेति ऐसा अर्थ आश्रय करेंगे तीर्थ आश्रयते, तदा बुद्धि कल्पित विश्लेष अवधित्वम आदाय अपादानत्वम सिद्धम इति इदम सूत्रम भाष्य प्रत्याख्यातम। बुद्धि कल्पित विश्लेष का अवधित्व आ जाएगा अपने आप इसे चोरादियों में, तो
पूर्व सूत्र से ही यहाँ अपदान संग्रह पंचमी हो सकती है, अतएव इस सूत्र की जरूरत नहीं करके भाष्यकार ने इसे खंडन किया है। ये कहते हैं भीतरार्थानाम कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, यदि रामायण है तो यह अकस्मात विभ्यति होना चाहिए था, कस्य कैसे हो गया प्रश्न उठता है। यदि रामायण है तो कस्य इत्यस्य संयुगेन अन्वयात, अभिभ्यति का अन्वय नहीं मानते हम, संयुगे मान युद्धे, युद्धे के साथ अन्वय हुआ, इसीलिए यहाँ पर विभ्यति के साथ अन्वय न होने से पंचमी नहीं हुआ। नास्ति बहेतुत्वाम, इसलिए भय का हेतु नहीं रहा, इसी षष्ठी प्रयोग संगत न चैव संयुगस्य अपादानतापत्ति, अरे संयुग में अपादान हो जाना चाहिए, यदि न चवाच्यम परया अधिकरण संज्ञाया अपादान संज्ञाया बाधात, या कुछ गलत छपी है ना, हाँ अ को काट देना, परभूत अधिकरण संज्ञा के द्वारा अपदान संज्ञा का बाध होता है। अधिकरण विवक्षायां तो स्टाप, और यदि अधिकरण विवक्षा करोगे तो वहाँ पर सप्तमी तो होगा ही, कोई संशय ही नहीं वहाँ, तो फिर विवक्षा के अधीन होता है कारक। भीतरार्थे किम व्याघ्रम पश्यति, व्याघ्रम पश्यति, व्याघ्र को देखता है, यहाँ भय का कारण नहीं बन रहा ना वो, यानी पशु संग्रहालय होते हैं ना, वहाँ पशु रखे रहते हैं, उनसे आदमी को डर थोड़ी है, वो सब जाली में बंद है, या सर्कस में जाते हैं आप, वहाँ भी सब शेर वगैरह हाथी सब होता है, उससे आदमी डरता नहीं, बड़े मज़े में बैठ के देखते रहता है, ऐसे प्रसंग है यहाँ। इसे भय का हेतु न होने से पंचमी व द्वितीय हो गई, व्याघ्रम पश्यति, न च कर्मत्व न बाध अशंक्य, कर्मत्व अपने आप बाध हो जाएगा पंचमी का, ऐसे आशंका न करो, कर्मत्व अवेक्षाया शेषष्टि बाधित्व पंचमी प्रसंगात, कर्मत्व की अवेक्षा होने पर शेषष्टि से प्राप्त था बाध करके पंचमी वह न हो, इसे भीतरार्थ कहना जरूरी है। बहेतु ग्रहण चिंत प्रयोजन अरण्य विवेति इत्यत्र प्रत्याधिकरण संज्ञा प्रवृत्ति चेत अत्र वदंती, इसलिए हमारा कहना है भय हेतु ग्रहणाभावे कारक शेषत्व कक्षायाम अति प्रसंग स्याद, भय हेतु यदि ग्रहण न करते तो कारकत्व में यह अविवक्षित करता हुआ शेषत्व कक्षा कर लेंगे, तब षष्ठी प्रसक्ति हो रही थी उसे बांधने के लिए जरूरी है। तथा च अरण्य से चोरात विवेति इति प्रयोगो न स्याद, इसे अरण्य से चोरात ऐसा नहीं होगा, अरण्य के चोरात एक पद बनेगा, जंगल का जो चोर उस चोर से भय, अरे शहर का चोर से भय नहीं, यह थोड़ा होगा, इसे अरण्य से जब समास नहीं हुआ है फिर वह पंचमी नहीं हो सकता अरण्य में, अरण्या चोरात ऐसा अर्थ नहीं है, अरण्य से मैंने अरण्य में रहने वाला जो चोर है उससे हमको डर होता है, चोरात विभेति इत्यर्थ। पराजय रसोड़ पराजय रसोड़ पराजय है षष्ठी का एक वचन और असौड़ प्रथमा का एक वचन, पराजय प्रयोग है असह्यो अर्थ अपादन सियात, पराप से प्रजी जे धातु वी पराभ्याम जे सूत्र आत्मपद हो जाता है, तो उस धातु का प्रयोग में असह्य अर्थ वाला जो वस्तु है उसका अपादान संज्ञा होता है, अध्ययनात् पराजयते ग्लायति इत्यर्थ, अध्ययन से वह पराजय को प्राप्त कर गया, मैंने वो अध्ययन से यहाँ पर क्या हो रहा है असही है, अर्थात उसको कुछ समझ में नहीं आता है पाठ तो करे क्या, जब तक समझ में आते रहता है सब कुछ सहन करता है ना, नहीं तो फिर दिमाग क्यों खराब करें, भाग जाता है छोड़ के, उस अर्थ में ही यहाँ पर लेने के लायक इत्यर्थ। इसलिए असोड़ा किम शत्रुन पराजित है, यानी वह क्योंकि आप पराजित करते अभी भवती इत्यर्थ, पराजय रसोड़ा है सादा तो उक्ता प्रत्यय धत्व धत्व स्टुत्व ढलोपेशु कृतेशु सही वोध वर्ण से इतिवे सोड़ा इति रूपम तत्र क्तार्थ भूतकालो न विवक्षित तदा असह्यो अर्थ इति सोढ़ुम अशक्य इत्यर्थ, हेतु तृतीया प्राप्त था उसका अपवाद वयम पंचमी हो गया, ग्लायत इत्यर्थ असहनादिति शेष हर्षक्षय हो रहा है, ग्लय हर्षक्षय ग्लायति हर्षक्षय क्यों हुआ क्यों असहनाद, यदा तो
असहनात् निवर्तते इत्यर्थ। यदि असहनात् निवृत्त्यर्थ ले लोगे तब तो तदा ध्रुवम इत्यपादनत्वादेव सिद्धम, ध्रुवम अप्यापादन सूत्र से अपादन सिद्ध हो जाता है, अतएव सूत्र की आवश्यकता नहीं। ऐसे भाष्यकार ने सूत्र का भी प्रत्याख्यान कर दिया। अभिभवती तिरस्करोति इत्यर्थ। अत्र शत्रुणाम अभिभवनीयतया असह्यत्व भावात् नापादानता। शत्रु जो है अभिभूत करने योग्य है, इसलिए असह्यत्व नहीं, वो सह्यत्व ही है। उनको सहन करना चाहिए, उनको तो मारो काटो, जो भी उसको देखना है करो, शत्रुओं को दबाओ। अतएव असह्यत्व नहीं, असह्यत्व ही रहता है, इसी कारण से वहाँ अपादान नहीं हुआ, किंतु वहाँ पर द्वितीय हो गया, पराजय का कर्म भूत हो गया। पराजय इति अध्ययनादिति अध्ययन संबंधिनी ग्लानी इत्यर्थ। कारक शेषत्व ने षष्ठ्याम प्राप्त है मिदाम, कारक में जो शेषत्व रक्षा किया तो प्राप्त षष्ठी को बाद करके पंचमी हो गया। पराजय थी विपराभ्याम जी तंग असुरैति कृतार्थ भूतकालो न विवक्षित, कृतः भूतकाल विवक्षित नहीं है, तेन अध्ययनात् पराजयष्यत इत्यादि भी सिद्धम। अजल पराजय थे वर्तमान लकार भी प्रयोग किया और पराजयष्यति प्रयोग कर दिखा रहे हैं, अजय भूतकालिष्ट ये नहीं है वार्थ में। नन असोड़ ग्रहण व्यर्थम शत्रुन पराजयते इतर परत्ता कर्म संज्ञा सिद्ध है। इस विषय हमारे एक कहना अत्रा भी वदंती कर्मत्व अविवक्षा होने पर शेषष्ठी में बाधित्वा पंचमी स्यात् सा माभूत इति कर्तव्यमेव असोड़ ग्रहणम इति।